नमस्कार, न्यूज़ अवैध समाचार में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं आज की ताज़ा खबर। अवैध खनन को रोकने के लिए विभाग ने चलाया अभियान। रामनगर में अवैध खनन जोरों पर है, जिसको लेकर तराई पंचमी KDFO बलवंत शाही के नेतृत्व में अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बड़ी कार्यवाही करते हुए 7 वाहनों को विभाग द्वारा जब्त किया गया। आपको बता दें कि विभाग द्वारा बड़ी कार्यवाही करते हुए 1 JCB को भी विभाग द्वारा जब्त किया गया है। आज काशीपुर रेंज की टीम द्वारा रात्रि गश्त के दौरान 10 टायरा बिना अभिवहन पत्र के उपखनिज ले जाते पकड़ा। वाहन को कर्णपुर चौकी वन परिसर में खड़ा कर दिया है। वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। गश्ती दल में आरोप ललित आर्य काशीपुर, संजीत सिंह, सुरेश चंद्र, मनीष बिष्ट उपस्थित रहे। वही DFO बलवंत शाही ने बताया कि रामनगर में कुछ स्थानों पर अवैध खनन की खबरें आ रही थी, जिसको लेकर पिछले सप्ताह अलग अलग स्थानों पर रात्रि गश्त के लिए 6 टीमों का गठन किया गया, जिसे बड़ी कार्यवाही करते हुए 7 वाहनों को पकड़ा गया। एक स्टोन क्रशर पर रात्रि 1 बजे बैलगाड़ी को खनन करते पकड़ा गया। अवैध खनन के विरुद्ध छापा मार अभियान जारी रहेगा। आप लगातार देखते रहिए न्यूज़ अवैध समाचार। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। रामनगर से न्यूज़ अवैध समाचार की यह खास रिपोर्ट। अवैध खनन कुछ जोरों पर है, जिसके द्वारा आपके द्वारा भी कार्रवाई की गई है, तो सर अब क्या किया गया इसके ऊपर, कुछ बड़ी कार्रवाई? अवैध खनन को रोकने के लिए हमने पिछले सप्ताह में 2 दिन जो है लगातार रात्रि गश्त की गई, जिसमें अलग अलग स्थानों पर 6 टीमें बनाई गई और जिसमें हमने टोटल 7 वाहन पकड़े गए और एक स्टोन क्रशर पर जो है रात में 1 बजे बैलगाड़ियों द्वारा अवैध खनन पकड़ा गया।